वेलकम टू अजीब जेरेब बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का कोर्स। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इसमें आज हम क्या करेंगे, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी डायमेंशंस के, अलग अलग पर्सनैलिटी के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। उसी के साथ हम आज जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एटीट्यूड के। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना एक भी पल गवाए। तो इसके अंदर जो 5 मेन पर्सनैलिटी डायमेंशन है हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप एक बार सर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स एक बार देखने के बाद उसके ऊपर खुद रिसर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर भूल जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक बार सर्च करें। और ये जो रेड पेन से मैंने आपको थोड़े जो हाईलाइट किए हुए हैं उनके बारे में एटलीस्ट आप दो दो लाइंस लिखें, ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, तो ये है क्या चीज, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारी बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशंस हैं। सबसे पहला है एक्सट्रोवर्जन। जैसे कि एक्सट्रोवर्जन में क्या है, जो आउटगोइंग टाइप के लोग होते हैं जिनको सोशल गैदरिंग बहुत पसंद होती है। ठीक है, एग्रीएबलनेस। अब ये कैसे होते हैं, ये बहुत काम होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, कंसाइंटेनियसनेस। ये कैसे लोग होते हैं, इनको जो है दूसरों का काम करने में भी बहुत मजा आता है। इमोशनली स्टेबिलिटी। अब ये किस टाइप के होते हैं, मतलब इनको अगर आप डांट भी लें तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है, अगर आप उनको डांट देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत रोना शुरू कर देंगे। उनको अपनी गलती समझ में आएगी और वो उसको ठीक से क्या है, कंट्रोल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि वो हमेशा ओपन रहते हैं नए नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, आइडियली दीज पर्सनैलिटी डायमेंशंस दैट कोरिलेट पॉजिटिवली एंड स्ट्रांगली विद जॉब परफॉर्मेंस वुड बी हेल्पफुल इन द सेलेक्शन ट्रेनिंग अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज। ये जो हमारी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं हमारी जॉब परफॉर्मेंस के साथ, और उसके अंदर जो होती है सिलेक्शन ट्रेनिंग और जो अप्रेजल दिया जाता है एम्प्लॉयज को उसके अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसी को तो अप्रेजल मिलेगा। ठीक है, द इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट ट्रेड्स एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस ऑब्लिगेशन एंड परसिस्टेंस जनरली परफॉर्म बेटर देन दोज हु डू नॉट। जो इंडिविजुअल्स क्या है इन ट्रेड्स को अपने जीवन के अंदर प्रॉपरली प्रोसेस्ट कर लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको क्या है इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, उन्हें क्या है ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू उन्हें जो ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको एक बार सर्च ज़रूर कीजिएगा, अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड जो है एक लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशन है जो कि हमारे माइंड में पहले से फिट हो जाती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल चीजों को लेकर हम उस चीज को कैसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉट वॉश करने के लिए आता है आपके घर पे, ठीक है, तो वो जो पॉट वॉश करने के लिए आता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यार उससे मेरा कुछ टच ना हो जाए, मैं जरा सा भी छू ना जाऊं। इनफैक्ट अगर वो पानी भी मांगते हैं तो आप उनको डिस्पोजेबल ग्लास में पकड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उसको नॉर्मल अपने वाले ग्लास में पानी दूंगा तो हो सकता है उसकी कुछ डिसीज मेरे अंदर भी आ जाए। ठीक है, तो वो क्या है हमारा एक अनफेवरेबल मैनर होता है। ठीक है, वो हमारे माइंड में कहाँ से आया है, ये प्री डिस्पोजिशन कहाँ से हुई हमारे माइंड में, क्योंकि हमने बचपन से ही यही चीजें क्या है देखी हैं, फील की हैं। ठीक है, इस वजह से जो भी ऐसा कुछ हमारे आसपास की सिचुएशन में होता है या इस टाइप के लोग होते हैं, हम मोस्टली क्या है इसी टाइप से क्या करते हैं बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इसी टाइप का हम एटीट्यूड अपना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। किस चीज़ में, हमारे काम के प्रति, हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
ठीक है। तो चलिए अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो एटीट्यूड होता है उसकी तीन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट, देन कॉग्निटिव कंपोनेंट, देन इंटेंशनल कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर हम जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम क्या फील करते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड वो आ जाता है। उसके बाद आता है इंटेंशनल कंपोनेंट जिसके अंदर हाउ वी टेंड टू बिहेव टुवर्ड द सिचुएशन, के हम उस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं। और कॉग्निटिव का क्या मतलब है, हम वैसा फील क्यों करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपने आज से पहले कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ठीक है, आपको हैबिट है, कोरोना से पहले क्या है, आप खुद शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाते थे, वहाँ पे शॉपिंग करते थे। लेकिन जब से कोरोना हुआ, कोविड हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम ना ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू किया। तो आपने फर्स्ट टाइम अमेज़न डाउनलोड किया और आपने सबसे पहली आपकी फीलिंग क्या आएगी, जो आपकी अफेक्टिव कॉम्पोनेंट होगी कि यार आई डोंट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, हाउ वी फील टूवर्ड द सिचुएशन, हमारी फीलिंग क्या है उस समय कि आई डोंट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या हुआ, वो जो ऑर्डर था वो डैमेज आया है। ठीक है, मतलब वो जैसा होना चाहिए था उस प्रोडक्ट को, वो वैसा नहीं आया है। जो पैकेजिंग थी वो बहुत लूज है और जो आपका प्रोडक्ट है वो भी डैमेज्ड है। तो क्या होगा, आप क्या फील करोगे उस समय कि यार मैंने उसको क्या नाम ऑर्डर प्लेस किया था और मेरी डिलीवरी जो है वो टाइम पर नहीं आई, और आई तो इतनी लूज पैकिंग थी और जो प्रोडक्ट था वो भी पूरा डैमेज था। तो ये क्या है, आपकी कॉग्निटिव कंपोनेंट, व्हाई वी फील दैट वे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इंटेंशनल कंपोनेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आप ये इस तरीके से बिहेव करोगे, एक तो आपको पसंद नहीं थी, ऊपर से आपका प्रोडक्ट भी डैमेज हो गया है, तो आपकी इंटेंशनल कंपोनेंट क्या रहेगी उस समय कि आप दोबारा ऑनलाइन कुछ भी परचेज नहीं करोगे, और स्पेशली अमेज़न से तो बिल्कुल ही परचेज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको ट्राई किया और आपका जो प्रोडक्ट था वो डैमेज आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, जो अभी मैंने आपको थ्री कंपोनेंट्स बताए हैं एटीट्यूड के। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये इसी तरीके से इसी सर्कमस्टेंसेस में काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की अपने आप में जो उसका एक्सपीरियंस होता है और जो उसके एटीट्यूड होते हैं, उन दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बुलाते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, मतलब उसने ऑनलाइन शॉपिंग की, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फर्स्ट टाइम के हिसाब से, जो उसने प्रोडक्ट मंगाया वो भी बिल्कुल एक्सीलेंट टॉप वो आया, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई, ऑन टाइम डिलीवरी उसकी हो गई है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने तो इतने फ्रॉड के केसेस सुने हैं ये, तो वो क्या है, उसके माइंड के अंदर ही क्या है, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा है, वो अपने आप में से ही क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। Thank you so much, friends.